थाना भदोगर क्षेत्र में 23 दिसंबर की एक घटना है, दिसंबर माह की एक घटना है, जिसमें विकास उर्फ जोगेंद्र यादव नाम का एक युवक लापता हो गया था, जिसकी सूचना उसके परिजनों द्वारा थाना भदोगर पर दी गई थी। इसमें क्षेत्राधिकारी नगर डॉक्टर रंजनी चतुर्वेदी के नेतृत्व में ये और इंस्पेक्टर भदोगर के नेतृत्व में ये टीम लगाई गई और उन्होंने काफ़ी मेहनत के उपरांत इस घटना का खुलासा किया और इसमें जो पूरी बात निकल के आई उसमें ये कि मृतक का जो गुमशुदा था उसका एक दोस्त जिसका नाम धर्मेश था, ये दोनों लोग सटरिंग का काम करते थे और मृतक या गुमशुदा उसको जो है कुछ घाटा हुआ जिससे उसने अपना सामान सटरिंग का सामान बेच दिया इसको और धर्मेश जो इसमें अभियुक्त है उसके द्वारा उसको कुछ पैसा दिया गया और कहा गया कि जो है हम और कुछ पैसा देते रहेंगे। लेकिन धर्मेश का ये कहना है कि विकास यादव ने हमें काफ़ी परेशान कर दिया और कई तरह से हमको धमकी दी और कई अन्य बातों में इसने परेशान भी किया। इस बात को लेकर धर्मेश ने ये निश्चय किया कि मैं इसको मार दूंगा और इस क्रम में उसने एक योजना बनाई और अपने मित्र विकास यादव जो कि आर्थिक रूप से परेशान चल रहा था उसको एक लालच दिया कि उसके पास कुछ सोना है जिसको अगर वो बिकवा देंगे तो उसका कुछ पैसा अदा भी हो जाएगा और उसको पैसा मिल जाएगा जिससे वो अपना बिजनेस शुरू कर पाएगा। लेकिन उसके पास सोना होना कुछ नहीं था, उसने सोना देने के बहाने रात में उसको अपने पड़ोस में चलने वाली एक बड़ी नहर के पास बुलाया और बुलाने के बाद सर पे उसको पीछे से डंडे से वार करके उसकी डेड बॉडी को जो है वो नदी में डाल दिया और मोटरसाइकिल को ले जाके करीब 3 किलोमीटर दूरी पर सुनसान जगह पर खड़ा कर दिया।